अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कोटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच को जीत लिया है कोटा ग्लैडिएटर्स ने। लगातार थर्ड कंसेक्यूटिव विक्ट्री है उनकी एंड दे आर आई थिंक नंबर टू पे वो स्टैंड करते हैं एंड मुल्तान सुल्तान पॉइंट्स टेबल पे नंबर वन पे है। कॉज उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है, वो कन्विंसिंगली जीते हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स सेकेंड नंबर पर स्टैंड करती है एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी खैर अच्छी फाइट डाली, बिकॉज दैट जिस पिच पर मैच खेला गया वॉज नॉट ईजी टू बैट ऑन एंड इट वॉज मोर लाइक बोलिंग फ्रेंडली पिच एंड आई थिंक रॉयल रोसो वॉज द ओनली सेंसिबल बैटर आउट देयर फॉर कोटा ग्लैडियर्स, बिकॉज इसके अलावा कोई भी बैटर इतना ज़्यादा एक है कि सेंसिबल तौर पे बैटिंग नहीं की है उन्होंने एक्सेप्ट रॉयली रोसो एंड खैर जैसन रॉय वाज गुड, बट अगेन आई वुड से कि जिस तरह से वो खेल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की, दैट वाज नॉट नीडेड एट दैट टाइम, बिकॉज जो रिक्वायर्ड रन रेट था इट वॉज अंडर कंट्रोल एंड 10 का वो करंट रन रेट लेके चल रहे थे, तो इतना ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं थी एट दैट टाइम, बिकॉज पिच वॉज नॉट दैट मच ईजी टू बैट ऑन एज आई सेड अर्ली। सो वही बात है कि खैर मुझे ऐसा लगा कि अगर तो कोटा ग्लैडिएटर्स के बैटर्स अच्छी बैटिंग करते या सेंसिबल बैटिंग करते तो आई थिंक मैच इतना ज़्यादा क्लोज नहीं जाता एंड मैच खैर क्लोज गया था। ऑल तो खैर आई थिंक 10 बॉल्स रहते मैच मतलब जो टारगेट है वो अचीव कर लिया, बट स्टिल है कि 7 विकेटें गवाई, इस वजह से लग रहा था एक वक्त पर तो लग रहा था कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच ले जाएगी, बिकॉज दे वर बॉलिंग रियली वेल, डिसिप्लिन बॉलिंग हो रही थी उनकी एंड उनकी फील्डिंग भी खैर आज उन्होंने अच्छी की है एंड यकीनी मैं कहूँगी कि 10 रन तो यकीनी उन्होंने बचाए हैं। खैर एक दो जगह पे मिसफील्ड्स भी हुई, बट या अच्छी टाइट उन्होंने फील्डिंग भी की है, क्योंकि जब आप इस तरह का लो टारगेट डिफेंड कर रहे होते हो तो एटलीस्ट आपको मैच विन करने के लिए नहीं लेकिन मैच बनाने के लिए भी आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है एंड अच्छी फील्डिंग करनी पड़ती है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की। नसीम शाह ने जो अपना स्पेल स्टार्ट किया, लगातार दो बाउंड्रीज उनको पड़ी, पहले दो बॉल्स पर दो बाउंड्रीज पड़ी, बिकॉज एट दैट टाइम उन्होंने सही करेक्ट लाइन पर बॉलिंग नहीं की थी, बट थर्ड बॉल जो उन्होंने की वो अच्छी लाइन्स के साथ की थी एंड सऊद शकील जो कि 50s करते हुए आ रहे हैं लास्ट के दो मैचेस से, वो उनका है कि वो कॉटन बॉल ही होने वाला था, बट वो हार्ड चांस था एंड अवेल नहीं कर सके नसीम शाह, बट अगेन है कि उन्होंने विकेट ली आई थिंक या सऊद शकील की उन्होंने विकेट ली एंड LBW आउट किया उनको एंड ही वॉज माइंड ब्लोइंग एज आई सेड कि भाई नसीम शाह इज़ बैक माशाल्लाह इन हिज रिदम एंड अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो एंड इसके बाद भी खैर उन्होंने एक और बोल्ड किया एंड मतलब वही बात है कि बोल्ड आउट करना या LBW आउट करना मुझे एज अ क्रिकेट फैन बहुत ज़्यादा पसंद है, देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड हुनैन शाह भी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, उनका भी खैर आज जब PSL का डेब्यू था एंड ही टुक विकेट ऑन हिज PSL डेब्यू, फर्स्ट बॉल पर ही उन्होंने विकेट ली है एंड क्या ही कोई ज़बरदस्त डिलीवरी उन्होंने कराई है एंड ऑफ स्टंप उन्होंने क्लिंच कर लिया एंड उन्होंने भी है कि बोल्ड आउट किया था। सो शाह ब्रदर्स आर डूइंग वेल फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड आई वुड से कि भाई पाकिस्तान में भी निकालो, हारिस रऊफ को निकालो, सबको सबको साइड पे बिठा दो, बस ये तीन शाह को खिला देते हैं एंड हमारी बॉलिंग सॉर्टेड है एंड खैर इसके अलावा ऐसा सेट कि भाई बॉलिंग अच्छी हुई है दोनों टीम्स की तरफ से, बैटिंग इतनी ज़्यादा स्मार्टली नहीं हुई है, चाहे आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें चाहे आप कोटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, और उसके लिए थोड़ा सा खैर पिच को भी मैं ब्लेम करूंगी एंड आई वुड से कि सही बात है, जो स्टार्ट में बिल्कुल ही बैटिंग पैराडाइज बनाई जा रही थी अब है कि थोड़ी सी इस तरह की ट्रिकी पिचेस हों तो थोड़ा सा मज़ा आए कि भाई बॉलर्स के लिए भी कुछ उसमें होना चाहिए एंड जो अच्छी बैटिंग करेगा डेफिनेटली वो भी अच्छे रन करेगा। ख्वाजा नाफे ने एक बार बताया, आज बताया कि हाउ इमैच्योर ही इज़ व्हेन इट कम्स टू बैटिंग कंसिस्टेंटली वेल, बिकॉज आज ही वॉज ट्राइंग ऑन ईच एंड एवरी बॉल एंड मुझे पहली बार में लग गया, पहली बार में ही उसने है कि उड़ा दी थी बॉल एंड दैट नो लुक शॉट खेलने की कोशिश की, उसी वक्त मैंने कह दिया कि भाई आज ये नहीं चलने वाला, क्योंकि इसकी इंटेंट उसने बताई तो बेशक है कि या मतलब मैं है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलूंगा, बट इंटेंट शो करने के लिए भी एक है कि सेंसिबल इंटेंट होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि आप हर बॉल पर घुमा रहे हो बैट घुमा रहे हो एंड ही वॉज डूइंग दिस, बहुत ही ज़्यादा क्लम्सी जो भी उन्होंने क्या रन बनाए वो क्लम्सी ही थे, कहीं पर एज हो रहा है कहीं पे ये कहीं पे वो, यानी उनको चांसेस मिल रहे थे एंड एज अ सेट के भाई मुझे पता ही था कि वो आज नहीं टिकने वाला, क्योंकि
वही बात है जो हमारे यहाँ होता है. तो क्लियरली उन्होंने शो किया कि भाई ही इज इमेच्योर, एंड जो लोग कह रहे थे कि भाई उसको पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए, दिस दैट दिस दैट. तो अब शायद उनको भी समझ आ गई होगी कि टैलेंट बेशक है बट पॉलिश की ज़रूरत है. तो पॉलिश उसी सूरत में होंगे जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे. सो आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की उनको ज़रूरत है, एंड इसके बाद है कि वो पाकिस्तान की टीम में डेफिनेटली अपने आप को आजमा सकते हैं. एंड खैर उसके अलावा ऐसा सेट के भाई बॉलिंग अच्छी हुई है. वसीम जूनियर एक अच्छी फॉर्म में है, थ्रू आउट दिस PSL उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है माशाल्लाह. एंड है कि आज भी खैर 3 विकेट्स उन्होंने ली. अब्रार अहमद वॉज माइंड ब्लोइंग स्पिनर्स को भी ऐसा सेट के भाई असिस्टेंट मिल रही थी इस पिच से. शादाब खान ने भी अच्छी बॉलिंग की है, ये बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है. अच्छी बॉलिंग की है शादाब खान ने, एंड उन्होंने भी अपने स्पेल की फर्स्ट बॉल पे सरफराज अहमद को आउट कर दिया. स्वीप शॉट खेलने वो गए, बैट बॉल सीधा रहा, एंड LBW आउट कर दिया शादाब खान ने सरफराज अहमद को. जस्ट एक ही रन बना सके. हालांकि जो सिचुएशन थी मैच की वो मोर लाइक सरफराज अहमद के टाइप की थी कि बस आपको स्ट्राइक रोटेट करनी थी, बहुत ज़्यादा हिट्स की ज़रूरत नहीं थी. दैट्स वाई है कि आज जल्दी भेजा गया था सरफराज अहमद को ताकि वो पार्टनरशिप बिल्ड करें. बट अगेन है कि खैर वो स्वीप शॉट खेलने गए और है कि बॉल सीधा रहा, एंड वो LBW आउट हो गए. शादाब बॉल्ड रियली वेल, और फिर वही बात है कि अपनी पुरानी जोन में दोबारा से वापस आ गए. यानी सेकेंड बॉल जो उन्होंने की वो शॉर्ट बॉल करी, एंड उस पर उन्होंने 4 खा लिया, यानी बाउंड्री खा ली. पूरा प्रेशर जो बना हुआ था वो रिलीज कर दिया गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से. फिर है कि मोहतरम को समझ आई कि थोड़ी सी उनको स्लो बॉल करनी है, थोड़ी सी है कि स्पिन करनी है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्पिन मिल रही थी. और इसके बाद उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है. इवन लास्ट ओवर में भी जिसमें मैच खत्म हुआ शादाब खान ही बॉलिंग कर रहे थे, जो मोहम्मद आमिर ने नहीं आई थिंक सेकेंड लास्ट में खत्म हुआ है या थर्ड लास्ट ओवर 17th ओवर जो है वो कराया था, सॉरी 18th ओवर कराया था हमारे जो शादाब खान साहब ने. एंड वहाँ पे लास्ट की जो 2 बॉल्स पे बाउंड्री लगाई थी आमिर ने, वो 2 बॉल्स भी बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग थी. बहुत ज्यादा बॉल स्किट हुआ, स्पिन हुआ, तो दैट वॉज गुड डिलीवरीज बाय शादाब खान. बट अगेन मैं कहूँगी कि गुड बैटिंग बाय, सेंसिबल बैटिंग बाय मोहम्मद आमिर. आज बॉलिंग से है कि बॉल से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सके मोहम्मद आमिर, बिकॉज ही वेंट विकेट लेस टुडे. बट है कि विद द बैट उन्होंने इम्पैक्टफुल 11 रन स्कोर किया, आई थिंक ऑन 5 और 6 डिलीवरीज. सो और मैच भी खैर उन्होंने फिनिश किया, सो ही वॉज गुड विद द बैट. एंड है कि विद द बॉल वो ऑब्वियसली विकेट लेस रहे. बट अब्रार अहमद डिड वेल, एज आई सेड भाई वसीम जूनियर डिड वेल, एंड मोहम्मद हसन ने बाय द वे अपनी 50 PSL के विकेट्स कंप्लीट कर ली हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल. एंड इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि भाई हुनैन शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, नसीम इज़ बैक माशाल्लाह, शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की है. एंड इट वाज अ ग्रेट इफेक्ट बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड इट वाज सीमिंग एट वन पॉइंट कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच ले जाएगी, क्योंकि खैर बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स भी खेले हैं ग्लैडिएटर्स की तरफ से. वसीम जूनियर साहब भी आए तो आई थिंक दूसरी या तीसरी बॉल पर ही एक अननेसेसरी शॉट माने गए, और उसमें है कि बॉल बहुत ज़्यादा लो रहा है एंड ही गॉट आउट. वो भी खैर शादाब ने विकेट ली, आई थिंक शादाब ने आज 2 विकेट्स ली हैं एंड अच्छी बॉलिंग कराई है. जैसे कि मैंने कहा सबसे ज़्यादा कामयाब बोले रहे शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, क्योंकि 4 ओवर्स में 24 रन देके उन्होंने 2 खिलाड़ी को आउट किया. इसके बाद नसीम शाह थे जिन्होंने 34 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया. देन मतलब हुनैन शाह थे, आज बाद में वो बैद शाह नहीं खेल रहे थे. हुनैन शाह ने 13 रन दिए हैं 2 ओवर में, एंड 1 विकेट को उन्होंने नाम किया, एंड दैट वॉज अ फिनोमिनल डिलीवरी. एंड खैर इसके अलावा ऐसे सेट के भाई आमिर ने अच्छी तरीके से इसको एंड किया, फिनिश अच्छी तरीके से किया. ऑल्सो शादाब बॉल्ड रियली वेल, जिस पे उन्होंने 4th मतलब है कि 4 लगाया था, बाउंड्री लगाई थी, वो अच्छी बॉल्स थी दोनों. बट स्टिल है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मैच विन कर लिया. रॉयल रोसो को मैन ऑफ मैच दिया गया बिकॉज ऑफ सेंसिबल बैटिंग एज ए सेट. हालांकि जैसे उन्होंने ज़्यादा रन बनाए उनसे, बट है कि उनकी सेंसिबल बैटिंग की वजह से उनको है कि मैन ऑफ द मैच दिया गया है. एंड आई थिंक खैर मैन ऑफ द मैच बाय द वे अगर जूनियर को दिया जाता तो ज़्यादा जस्टिफाई होता रेदर देन रायली रोसो, बट खैर है चलो. और खैर इसके अलावा जो हमारे मतलब है कि रायली रोसो साहब ने बहुत अच्छी स्प्रेड ऑफ क्रिकेट का भी मुजाहरा किया है, क्योंकि जब बॉलिंग कर रही थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग कर रही थी, तो आगा सलमान साहब हैं वो शॉर्ट हो गए थे, कुछ गिर गए थे, स्लिप हो गए थे. दैट्स व्हाई है कि वो रन अपना कंप्लीट नहीं कर सके, बैलेंस नहीं रख सके, तो बैट उनके हाथ से छूट गया एंड वसीम जूनियर ने आउट कर दिया. डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस वॉज आउट, बट रायली रोसो ने रन आउट की अपील नहीं की, एंड दैट वॉज नाइस काइंड गेस्चर
फ्रॉम राइली रोसो एंड अच्छी खैर अच्छी बात है। एंड बाय द वे जो हमारे सलमान अली आगा साहब हैं ये भी चुपचाप मोहतरम लीडिंग रन स्कोर बन गए हैं जो PSL के। एंड हनीफ मोहम्मद कैप अब उनके पास है जो कल बाबर आजम को दी गई थी, बट कोई बात नहीं, हमारे बाबर आजम कल दोबारा उसको हासिल कर लेंगे क्योंकि कल भी मैच है बाबर आजम की पेशावर जर्मी का। अल्लाह करे कि खैर कल का मैच जीत जाए। बाय द वे कल का मैच मुल्तान सुल्तान से है जो कि अब तक अपना कोई मैच नहीं हारी है, पेशावर जर्मी ऑन दी अदर हैंड कोई मैच जीती नहीं है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार खैर अल्लाह करे कि जर्मी जीत जाए एंड अपना खाता तो एटलीस्ट खोले PSL में। और खैर दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।